हेलो दोस्तों, पसंद मैं जल्दी उन्हीं का डम आपको स्वागत है। देखिए, पेटीएम ने केवाईसी के लिए के एक नया अपडेट ला चुका है, जो अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, चाहे आपका पेटीएम फुल केवाईसी हो या मिनी केवाईसी हो या विदाउट केवाईसी हो, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, क्योंकि जो पेटीएम का केवाईसी का नया अपडेट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका फुल केवाईसी है तो फिर भी, या आपका मिनी केवाईसी है फिर भी, ये आपका विदाउट केवाईसी नहीं है या केवाईसी बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपको ये वीडियो कम्प्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि केवाईसी रिलेटेड काफी सारा अपडेट अभी नया नया पेटीएम लेके आ रहा है। तो आपका कुछ कोई भी आईडी है तो आपके लिए अपडेट जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, पेटीएम क्या अपडेट लाया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस वीडियो का आखिर तक बन रही है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पाजे और आप वीडियो पहले देख सके। देखिए, आपको पता है पेटीएम ने केवाईसी अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि पेटीएम केवाईसी को आरबीआई ने बैन कर चुका है। अभी पेटीएम अपने साथ कोई भी नया कस्टमर जुड़ नहीं पा रहे पेटीएम पेमेंट बैंक में, मगर जो पुराना कस्टमर है पेटीएम का, पेटीएम पेमेंट बैंक यूज कर रहे हैं या पेटीएम में फुल केवाईसी कर रखे, तो उनके लिए एक बैड न्यूज आ चुका है। यानी अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन किए या आपका फुल केवाईसी है, आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज नहीं कर रहे, एक साल हो गया, तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो सकता है। यानी अगर आपके पास फुल केवाईसी है और आपका पहले पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते थे मगर एक साल हो गया, आप पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा, तो आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे कि कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज ले रखे हैं, आपके सब्सक्रिप्शन चार्ज पेटीएम पेमेंट बैंक से कट रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होगा। यानी आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है, चाहे आप सेंड मनी कर सकते हैं चाहे रिसीव मनी कर सकते हैं, तो अगर कोई भी एक सेंड मनी रिसीव मनी करेंगे एक मंथ में, 12 महीने के अंदर आपको कोई ट्रांजेक्शन चाहिए, नहीं तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। सेम चीजें अगर आप पेटीएम वॉलेट भी यूज करते हैं, अगर पेटीएम वॉलेट में आप एक साल हो गया कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए, तो पेटीएम वॉलेट भी बंद हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसका केवाईसी नहीं कर सकते, जी हाँ, आप उसको रिएक्टिव कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपका वॉलेट बंद हुआ है या पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है, तो आप उसको रिएक्टिव कर सकते हैं। तो न्यू रिएक्टिव करने से पे एक न्यू रूल आ चुका है, पेटीएम ला चुका है। अगर आप पेटीएम, आपका पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट बंद हुआ है, तो आपको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। तो केवाईसी जो तीन तरह से अभी लॉन्च हुआ है, आप तीन तरह से केवाईसी कर सकते हैं। एक तो आधार बेसिस में केवाईसी कर सकते हैं, आप कोई भी पेटीएम एजेंट के पास जाएंगे तो वहां पे आप केवाईसी सेंटर, पेटीएम केवाईसी सेंटर में जाके वहां पे आधार बेसिस में बायोमेट्रिक से आप अपना केवाईसी कर सकते हैं, अपना पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट को रिएक्टिव कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नहीं, विदाउट आधार करना चाहते हैं, तो आप अपना डीएल, आप डीएल ले सकते हैं या पैन कार्ड, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट लेके उन एजेंट के थ्रू आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को या वॉलेट को रिएक्टिव कर सकते हैं। अभी बात आ रही तीसरा वाला केवाईसी, तो ये केवाईसी ड्रॉप आपके पास आके केवाईसी करेंगे, जो पेटीएम एजेंट है वो आपके डोर स्टेप केवाईसी है, वो आपके घर पे आके केवाईसी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी आपके घर पे ही केवाईसी करना चाहते हैं, तो आपको 150 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, अभी पेटीएम ने जो नया रूल लाया है। यानी अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक हो या पेटीएम वॉलेट हो बंद हो गया है, आप उसको रिएक्टिव करना चाहते हैं डोर स्टेप केवाईसी के थ्रू, तो आपको वहां पर 150 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, फिर जाके आपको पेटीएम में केवाईसी होगा। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं या पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, एक साल के अंदर आप कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कर लीजिए, नहीं तो आपका दोनों में पेटीएम पेमेंट बैंक या पेटीएम वॉलेट बंद हो सकता है। अभी पेटीएम ये नया अपडेट ला चुका है केवाईसी लेके, हो सकता है बहुत जल्द ही पेटीएम अपना न्यू यूजर को केवाईसी करने का फीचर दे, क्योंकि केवाईसी के लेकर काफी सारा बात चल रहा है। पेटीएम अभी केवाईसी को लेके नया अपडेट ला चुका है, जो ओल्ड यूजर थे पेटीएम केवाईसी का, तो अभी शायद न्यू यूजर का भी नया फीचर आने वाला है, बहुत जल्दी भी आने वाला है। तो जब भी नया फीचर आ जाएगा पेटीएम नया यूजर जोड़ने का या नया केवाईसी हो जाएगा, तो पहले हम वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे कि आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपना पेटीएम को केवाईसी कर सके। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पेटीएम रिलेटेड कोई भी नया नया अपडेट हो, नया नया प्रोमो कोड हो या नया कैशबैक ऑफर हो, पहले हम हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि उसके बारे में पता चल सके, आप उसका अपडेट रह सके। तो प्लीज अगर आपको भी इस तरह आगे वाला वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पा जाए और आप वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए बात और कुछ नई जानकारी।